हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, आज जो बात होगी डेल्टा क्रॉप, इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है और ये लगभग 282 से 185 में आ गया फ्रेंड्स। और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्यों इसमें गिरावट आ रही है। रिजल्ट भी अच्छा आया था तब भी इसमें गिरावट आ रही है फ्रेंड्स। तो जो नए लोग हैं, अगर इस चैनल को आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है अगर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो। फ्रेंड्स, डेल्टा क्रॉप में काफ़ी गिरावट देखी गई है। अभी आप 185 के आसपास ये स्टॉक है। उसका सबसे पहला पॉइंट रीज़न ये है कि जीएसटी का इवेशन जो टालना रहा है कंपनी का, वो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। नंबर वन पॉइंट ये है, सबसे बड़ा और क्या है ये। दूसरा ये है कि जो गोवा गवर्नमेंट ने फीस का जो लाइसेंस होता है कैसीनो का, उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो कंपनी ने ये जो डिप आ रहा है उसमें ये कहा है कि उस लाइसेंस को जो फीस है उसको बढ़ाने के लिए वजह से नीचे की तरफ है। अब स्टॉक नीचे की तरफ है फ्रेंड, दोनों वजह है। जीएसटी का जो इंटेलिजेंस है, जीएसटी के इस पर छापा पड़ा है समझ लीजिए आप। तो अब कंपनी ने कहा है कि सारे लॉ और सब कुछ जीएसटी का किया गया है, बट ये कि आने वाले दिनों में और किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई होती है उसका देखना पड़ेगा। और फिलहाल स्टॉक आपको 200 रुपये से नीचे है और उससे पहले भी आपने देखा होगा 230 240 को जैसे ही इसने ब्रेक किया तो 200 और 200 को ब्रेक किया तो 185। तो ये टेक्निकल आप अगर समझते हैं तो फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि कुछ साल पहले ये 70 के आसपास था और 70 से इसने अच्छा गेन दिया, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे और इन्वेस्टर्स जो इसमें ट्रेडिंग करते थे काफ़ी अच्छा मूव भी देता था फ्रेंड्स ये। और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुंझुनवाला, उनका जो स्टेक था उन्होंने सेल भी कर दिया था लगभग 280 या 300 के आसपास। उसके बाद भी ये 353 या उसके ऊपर गया है और अब जो है फ्रेंड्स ये 185 आ गया है। और हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे बहुत सारे लोग फंसे भी हों क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन में जो ले लेते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। बट ये है कि जो एलिगेशन अभी लगाए गए हैं, वक्त लगेगा फ्रेंड्स उसको अभी क्लियरफाई करने में कंपनी को, प्रमोटर्स को। और स्टॉक भी तभी आपको बाई करना चाहिए जब क्लैरिटी स्टॉक में आ जाए फ्रेंड्स। और कोई भी शेयर अगर 3 या 4 साल में अगर अच्छा गेन ऊपर की तरफ दिया हो, लगभग 70 से ये आपको ये समझ लीजिए कि 350 तक का गया है, तो जाहिर सी बात है अब ये अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद देखिए 85% ऊपर की तरफ था मार्च क्वार्टर में, 53.88 और 29.04 पिछला जो प्रॉफिट था उससे अच्छा जंप किया हुआ था और 11% सेल्स अच्छा हुआ था फ्रेंड्स। और कैसीनो, आजकल कैसीनो में काफ़ी लोग खेलते हैं, तो गोवा में जाते हैं तो लोग अपना एंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छा इनका चल रहा था। और झुंझुनवाला साहब ने भी कहा था कि सारा स्टेट जो है इस तरह से अभी लाइसेंस देंगे। तो डेल्टा क्रॉप में भी इस वक्त मुसीबत है फ्रेंड्स। उससे ज़्यादा मुसीबत ये कि स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं जो 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी लेते हैं, तो इस तरह से न्यूज़ आ जाती है तो उसमें भी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि फिर वो वेट नहीं कर सकते हैं और जब स्टॉक इस तरह से नीचे आ, 250 अगर 230 260 में लिया है और 185 में आ गया, तो जाहिर सी बात है जब हार्ड मनी जाता है तो बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। बट ये है कि अभी आप जो नए लोग लेना चाहते हैं स्टॉक को, कोशिश करिए कि अभी स्टेबल होने दीजिए, क्लैरिटी आने दीजिए इस स्टॉक में, तभी आप लेने की कोशिश करिए। और शेयर होल्डिंग में भी इनके प्लस शेयर हैं, लगभग 82% प्लस शेयर हैं, 32.77 ये इनके प्लस शेयर हैं। तो इस तरह से इनका अभी डेल्टा क्रॉप में प्रॉब्लम्स हैं। और आपने DHFL को भी देखा होगा, वो लगभग 100 रुपये आ गया, 600 रुपये का स्टॉक फ्रेंड्स, वो 100 रुपये आ गया, एलिगेशन ही लगाए थे उसके ऊपर भी, अब धीरे धीरे क्लियरफाई हो रहे हैं। अब कंपनी NBFC में कुछ प्रॉब्लम, कुछ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स है तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है।
बट ये है कि अभी डेल्टा क्रॉप की बात हो रही है, तो डेल्टा क्रॉप में आपको जैसे ही 170, अगर ये ध्यान रखें 170, अगर ये 165, 170 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ये फिर 130 और 140 के आसपास दिखेगा स्टॉक। तो फिलहाल इसीलिए जो नए इन्वेस्टर्स को लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं, तो आप 100 के आसपास या उसके नियर अबाउट उसी के आसपास खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 70 रुपये और 60 रुपीज़ से काफ़ी अच्छा गेन दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने अगर 80 रुपीज़ में भी लिया तब भी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, और जो लंबे इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए काम करते हैं, स्पेशली जो अभी गिरावट इसमें देखी जा रही है, मार्जिन में अगर आपने लिया है तो मार्जिन का पैसा आप उसको रिड्यूस करिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको होल्ड करिए, लंबे समय के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो हो सकता है फिर आप जैसे इनको लाइसेंस का जो फीस है जमा करेंगे और फिर ये GST का, तो सारा कुछ अच्छा रहेगा। तो फिर अभी समय लगेगा बट स्टॉक को इस तरह का ऊपर की तरफ जाने में, और तभी आप फिर ये कहना कि एक जैसे 250-230 में जाएगा तो वहाँ पे एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए। अगर मूवमेंट आता है कोई भी कंपनी की तरफ से ना, आप एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि स्टॉक जब गिरता है तो फ्रेंड्स फिर वो नीचे के लेवल फिर उसी लेवल तक आता है, और फिर जब अच्छा रिजल्ट और सब सारी न्यूज़ें अच्छी आती हैं, क्योंकि जो हम लोग जो भी आता है, तो इस तरह से डेल्टा ग्रॉप में भी हुआ है अभी। फिलहाल ऐसा लगता है कि टेक्निकली ये 170 को अगर ब्रेक करेगा आपको 130-140 तक भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। फिलहाल अगर आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में रिस्क लीजिए और तभी आप इस स्टॉक में ट्रेड करिए। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 पॉइंट थे। इस गिरावट देखी जा रही है, इसमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है और आने वाले दिनों में भी गिरावट देखी जा सकती है। और इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों को इस शेयर के बारे में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी एक गिरावट IDFC फर्स्ट बैंक में भी आई है, तो उस स्टॉक को भी आप देखिए और उसका वीडियो भी देखिए, उसमें भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, इसी तरह से अपडेट करने की कोशिश की जाती है। अगर YouTube देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप इंडिया के किसी भी शहर से देखते हैं, बिहार से देखते हैं, बंगाल से देखते हैं, आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कहीं से भी देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। इसी तरह से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आज था डेल्टा क्रॉप, धन्यवाद।